सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और कल की जो अपडेट हम सब लोगों को मिली है वो तो हम सब लोगों ने देख ली है, लेकिन अब यहां पे एक सबसे ज्यादा मेन पॉइंट ये आता है कि अब हम सब लोगों को दुबई जाने के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। जी हां, दुबई जाने के लिए अब हमेशा तैयार रहना चाहिए। कभी भी आपके लिए बुलावा आ सकता है, क्योंकि जितने भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, जितने भी फाउंडर हैं, आने वाले टाइम के अंदर उनको बहुत कुछ यहां पे घूमना पड़ेगा, बहुत कुछ वहां पे अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको निभानी पड़ेंगी। कई बार आपको हैदराबाद भी जाना पड़ सकता है, हो सकता है आपको दुबई भी जाना पड़े। कभी ऐश मुफारिसा जो है इन्वाइट करें हम सब इंडियन फाउंडर्स के लिए, कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जैसे जैसे नंबर आते जाए तो हम सब लोगों को अब बड़ी से बड़ी तैयारी कर लेनी चाहिए। अगर आपके पास अभी भी पासपोर्ट नहीं है तो आप अपना पासपोर्ट भी अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अब जितने भी फाउंडर्स हैं, अगर किसी फाउंडर के पास, ब्रांड एम्बेसडर के पास अगर पासपोर्ट नहीं है तो ये फिर आपके लिए बहुत ज्यादा फिर दिक्कत भी पैदा हो सकती है। दिक्कत इसलिए क्योंकि कहीं आपको जाना है बाहर, तो आपको कहीं अपनी कंट्री से बाहर जाना है तो आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। फिर आपको महसूस होगा कि अरे मुझे तो पासपोर्ट भी बनवाना है, क्योंकि आप एक ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप एक प्राउड फाउंडर हैं, इसीलिए आपको वो सारे काम करने ले हैं, करने ही करने हैं, क्योंकि आप एक इंटरनेशनल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इस बात का ध्यान रखें, नेशनल कंपनी के नहीं है, इंटरनेशनल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। कभी भी आपको देश से बाहर जाने का मौका मिलेगा, और 100% मिलेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर मिलेगा। दोस्तों, अपडेट के अंदर जो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग जो न्यूज इस समय बनी हुई है वो बनी हुई है हमारी ऑन पैसिव ट्रेन को लेकर, ऑन पैसिव स्टेशन को लेकर के। और ऑन पैसिव स्टेशन के बारे में बहुत सारी चर्चा लोगों के बीच में चल रही है। अभी जो कोई भी व्यक्ति दुबई जाता है तो वो बुर्ज खलीफा को तो देख के आता ही आता है। बुर्ज खलीफा को अगर वो देख के नहीं आए तो फिर वो दुबई घूम के नहीं आए। वहां जाकर के अगर एक सेल्फी नहीं खींची तो फिर जाकर के तो लगता है कि यार नहीं, आप तो दुबई नहीं गए हो। लेकिन अगर आपने बुर्ज खलीफा के पास में जाकर के अगर आपने सेल्फी खींची तो आप दुबई गए हो और दुबई का पूरा पूरा मजा लिया है। लेकिन अब एक बात और भी आप नोट कर लीजिए, जितने भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, फाउंडर्स हैं, ऑन पैसिव के कम्युनिटी के जितने भी मेंबर हैं, अगर वो जब भी दुबई जाएंगे तो अगर वो बुर्ज खलीफा के अलावा अगर ऑन पैसिव स्टेशन पर नहीं गए तो फिर वो दुबई नहीं गए। अगर वो ऑन पैसिव स्टेशन पर नहीं गए, उन्होंने ऑन पैसिव स्टेशन पे जाकर के ट्रेन में थोड़ा सा सफर नहीं किया, उन्होंने ट्रेवलिंग नहीं की, कौन सा स्टेशन किस तरीके से ब्रांडिंग है, किस तरीके से बनाया गया है, तो फिर आप दुबई नहीं गए। तो वहां तो अब जाना बनता ही बनता है। बुर्ज खलीफा के साथ साथ बहुत सारे लोग अब ऑन पैसिव स्टेशन पर, मॉल्स के अंदर जहां जहां ये सारे के सारे एडवर्टाइजमेंट चलते हैं, वहां तो जाना बनता ही बनता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको ऑन पैसिव स्टेशन की जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, ताकि आपको वहां पे जाने का मौका मिलेगा तो कम से कम आप मेरी इस वीडियो को कभी भी देख सकते हैं, और जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं कम से कम उनको आप ध्यान भी रखेंगे। सबसे पहली चीज क्या है, ये हमारा जो ऑन पैसिव का स्टेशन है ये बहुत बड़ा बूम लेके आने वाला है हमारे इस मार्केटिंग के अंदर। ये एक मार्केटिंग मशीन मान के चलो, क्योंकि जहां पर किसी भी चीज का एक विज्ञापन बार बार एडवर्टाइजमेंट बार बार लोगों के माइंड में क्लिक करता है तो वहां से एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जनरेट होता है। तो ये जो स्टेशन है ये हमारा एक मार्केटिंग मशीन की तरह काम करने वाला है, एज लाइक एज मार्केटिंग मशीन। बहुत सारे लोग आ रहे होंगे, जा रहे होंगे। योर स्टेशन, योर नेक्स्ट स्टॉप इज ऑन पैसिव। बार बार आपको जैसे ये स्टेशन आने वाला होगा तो उस ट्रेन के अंदर बहुत सारे यात्री बैठे होंगे, बहुत सारे पैसेंजर बैठे होंगे, तो उनके माइंड में क्लिक करेगा एकदम से, योर नेक्स्ट स्टेशन इज ऑन पैसिव, योर नेक्स्ट स्टेशन इज ऑन पैसिव। तो जब ये रोबस्ट ऑडियो है, एकदम से बहुत अच्छी, बहुत प्यारी ऑडियो, जो मुझे तो जानी पहचानी उसमें आवाज लगती है, मैं शायद वो डॉक्टर सुहा मैडम की आवाज है, जहां तक मुझे अपना अंदाजा बता रहा हूं, मुझे उनकी आवाज लगती है, ये जो उसमें आवाज रिकॉर्ड की गई है डॉक्टर सुहा मैडम की आवाज लगती है मुझे, ये मैंने आपको बता दिया मगर किसी से कहना मत। तो मतलब मैंने मैच करने की कोशिश की है, तो बस ये मेरा प्रेडिक्शन है कि उनकी आवाज लगती है कि उन्होंने इस तरीके से उसको रिकॉर्ड किया हुआ है, और बाकी किसी और की भी हो सकती है मे बी। तो यहां पे जो हमारा स्टेशन है, स्टेशन जो हमारा है वो स्टेशन हमारे मार्केटिंग मशीन की तरह काम करेगा, और बहुत सारे उस ट्रेन के अंदर सफर कर रहे होंगे वहां पर भी क्लिक किया जाएगा उनके माइंड को। किसी की भी माइंड को बदलना, किसी की सोच को बदलना, यही सबसे बड़ी मार्केटिंग का सबसे बड़ा खेल होता है।
अवर स्टेशन इज ऑन द गूगल मैप। ये सबसे बड़ी एक चीज और आ गई है निकल करके कि हमारा कोई भी गूगल मैप पे अगर डालता है, क्योंकि हो सकता है कि कोई व्यक्ति बाहर है जो कि स्टेशन पे आना चाहता है, जो कि किसी कार के अंदर है, किसी बस के अंदर है या किसी ई रिक्शा के अंदर है, कहीं से भी है, वो बस में है, वो रोड साइड से आ रहा है और उसने अपना डाला गूगल मैप पर ऑन पैसे मेट्रो स्टेशन। जैसे कि हम दिल्ली जाते हैं, कभी हम कहीं और दूसरे स्टेट में जाते हैं, जब मेट्रो में हमें सफर करना होता है तो हमें मेट्रो स्टेशन पे जब हम ढूंढते हैं तो हम अपने गूगल मैप पर डाल लेते हैं कि भाई राजीव चौक, वो हमें रास्ता बता देता है तो हम वहां पे आसानी से चले जाते हैं। अब जैसे ही कोई भी व्यक्ति अगर गूगल मैप पर डालना चाहेगा कि हाँ आसपास कौन सा स्टेशन है, कोई बता देगा सर यहाँ ऑन पैसिव स्टेशन है, तो डालेगा अपना ऑन पैसिव स्टेशन और वहां से उसको रास्ता मिल जाएगा। तो ये गूगल मैप पे रास्ता तो उसको तभी मिलेगा ना जब वो गूगल मैप पे होगा। तो यहां पे गूगल मैप पे हमारा ऑन पैसिव स्टेशन का नाम भी जा चुका है। ये सबसे अच्छी एक अचीवमेंट है। यही तो अचीवमेंट होती है जो हम लोगों को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में लेके आ रही है। अब इसके अलावा 200 से ज्यादा मिलियन राइडर्स जो है एक साल के अंदर अंदर वहां पे आते हैं जाते हैं, 200 मिलियन। आप सोचो कि उस वहां पे स्टेशन पे आना, क्योंकि बहुत ज्यादा बिजी स्टेशन है ये, अभी आगे आपको बताऊंगा मैं। 7 लाख से ज्यादा जो राइडर्स हैं, 7 लाख से ज्यादा जो राइडर्स हैं वहां पे पर डे विजिट करते हैं। ट्रेन में आना जाना, बहुत सारे लोगों का आना जाना लगा रहता है, कुछ नौकरी वाले होते हैं, कुछ डेली सफर करने वाले होते हैं और कुछ लोग उस रास्ते से ही गुजरने वाले होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे, यानी कि डेली लगभग 7 लाख लोग अपने इंडियन के हिसाब कैलकुलेशन के हिसाब से 7 लाख लोग वहां पे डेली आते जाते रहते हैं। 125 वहां की जो ट्रेन है, 125 ट्रेन फुल्ली ऑटोमेटिक ट्रेन है, जी हाँ, कंप्यूटर से चलती है, पूरी तरीके से फुल्ली ऑटोमेटिक ट्रेन है। तो इसीलिए इस दुबई को जो है कंप्यूटर सिटी कहा जाता है, इंटरनेट सिटी कहा जाता है, क्योंकि वहां पर अब आप खुद सोचो 125 वहां पे ट्रेन है जो फुल्ली ऑटोमेटेड है। और शेख जायद रोड जो वहां का सबसे ज्यादा बिजी रोड कह सकते हैं, और एक ऐसा रोड है जो कि कई सारे स्टेट को, यूएई जो हमारी कंट्री है उसके कई सारे स्टेट को कवर कर लेता है। शेख जायद रोड सबसे ज्यादा बिजी रोड रहता है और वहां से हम अपना ऑन पैसिव का जो स्टेशन है वो आराम से वहां पे देख सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति शेख जायद रोड के आसपास होगा और उसे स्टेशन पे, मेट्रो स्टेशन पे जाना होगा, तो उसको नियर बाय जो मेट्रो स्टेशन मिलेगा वो ऑन पैसिव ही मिलेगा। तो इसमें एग्रीमेंट जो किया गया है वो आरटीए के साथ 10 साल के लिए किया गया है, सरकार के साथ, जी हाँ सरकार के साथ। ये बहुत अच्छी बात है, हम सब लोगों को सोचने वाली बात है कि 10 साल का अगर एग्रीमेंट किया गया है तो कहीं ना कहीं हमारा फ्यूचर पूरी तरीके से सेफ एंड सिक्योर है। ऑन पैसिव अगले 10 साल तक, जी हाँ ऑन पैसिव जो है अपने 10 साल तक अपने इसी नाम से, हमारा जो स्टेशन है ये इसी नाम से रहने वाला है अगले 10 साल तक। आउटसाइड इनसाइड जो कुछ भी ब्रांडिंग जो कंपनी कर रही है, पोस्टर लगाना, बैनर लगाना और बहुत सारे बैनर्स लगाना और स्टेशन के नाम पिलर्स के नीचे, बहुत कुछ यहां पे किया जा रहा है। उसके बाद डिजिटल ब्रिज एंड पिलर्स को भी जो है पूरी तरीके से कवर किया जा रहा है। अगर मैं लोकेशन की बात करूं इसकी, तो इसकी जो लोकेशन है, जो हमारे मेट्रो स्टेशन का पूरा जो एक जाल है, माया जाल बिछा हुआ है मेट्रो स्टेशन का, तो वहां पे ग्रीन एंड रेड लाइट के बीच में इसका रास्ता है, आई मीन स्टेशन है ये, ग्रीन लाइट और रेड लाइट के बीच में ये स्टेशन पड़ता है। और ये दुनिया का सबसे मॉडर्न स्टेशन है, जी हाँ ये दुनिया का सबसे मॉडर्न स्टेशन है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे इस स्टेशन के होने से कितना ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। इसके अलावा कोई भी वहां पे यात्री आता है, कोई भी पैसेंजर आता है, तो भाई आपको कहां जाना है, कोई कहेगा ऑन पैसिव, तो वहां पे बार बार उसके मुंह पे नाम भी आएगा, जुबा पे नाम आएगा, तो उसको टिकट लेना है उस पर भी नाम आएगा, बहुत सारे अनाउंसमेंट, बहुत सारे होल्डिंग्स वगैरह, बैनर्स वगैरह रास्ते में मिलेंगे, इंस्ट्रक्शंस वगैरह मिलेंगे, तो ऐसे कई सारी चीजें मिलेंगी जहां पर ऑन पैसिव का नाम लोगों के जुमा पे, लोगों के माइंड में बार बार क्लिक करेगा। तो ये ऑन पैसिव स्टेशन की ये पूरी जर्नी जो मैंने आपको बताई, इससे बिजनेस के ऊपर बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। अभी तक तो हमारे बहुत सारे पुराने फ्रीडम फाइटर्स और पुराने बहुत सारे जमाने के जो लोग थे उनके नाम पर बहुत कुछ हुआ करता था, लेकिन अब डिजिटल जमाना आ चुका है, अगर हमें अपने बिजनेस को बूम करना है तो यहां पर हमें उस तरीके से काम करना पड़ेगा। तो इस बात को आपको सोचना है कि हमारे जो एस मुफायर सर है, उनकी जो सोच है वो हमसे भी 10 कदम आगे है,
जी हाँ, हमसे भी 10 कदम आगे। जितना आप सोचते हैं वो तो कहीं सोच के छोड़ देते हैं, और वो हमसे कहीं ज्यादा बेहतर। इस कंपनी को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, हमारी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, इस कंपनी का फ्यूचर, हमारा फ्यूचर, हमारी फैमिली का फ्यूचर और हम सब लोगों को पूरी तरीके से सिक्योर करने के लिए वो बहुत बहुत सही काम कर रहे हैं। हमें उनका साथ देना चाहिए और हमें उनको सल्यूट करना चाहिए, और हमारी जो टेक्निकल टीम है उसको भी सल्यूट करना चाहिए, क्योंकि दिन रात ओवर टाइम लगे हुए हैं उस काम को करने के लिए, और वक्त से पहले हम सब लोगों को वो सब कुछ मिलने ही वाला है, जिस चीजों का हम सब लोग मिल करके आपस में वेट कर रहे हैं। बस थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा, और थोड़ा सा पेशेंस रख लो, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। हैव अ नाइस डे, वी आर सो इन इट टू विन इट।